जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के संबंध में रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। तंत्र में रहस्य ही होता है, क्योंकि तंत्र अदृश्य होता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि तंत्र कैसे होता है। तंत्र के लिए किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। तंत्र से किसी का विवाह रोका जा सकता है, तंत्र से किसी की प्रगति रोकी जा सकती है, तंत्र से किसी को पागल किया जा सकता है, और तंत्र से मनुष्य को उच्चाटन किया जा सकता है, तंत्र से पति पत्नी के बीच में झगड़ा किया जा सकता है, और तंत्र से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है, बशर्ते कि करने वाला मनुष्य शक्तिशाली होना चाहिए। तंत्र से शत्रुनाश भी होता है, तंत्र से स्तंभन भी होता है। तो स्तंभन की देवी हो गई बगलामुखी, वह स्तंभन करने का काम करती, शत्रुओं को रोकने का काम करती, शत्रुओं को दूर करने का काम करती। परंतु तंत्र से मतलब इस बगलमा बगलामुखी से शत्रु नाश नहीं होता है। तो तंत्र शमशान से प्रारंभ होता है और शमशान पर ही समाप्त हो जाता है। तो तंत्र के लिए शमशान की राख की आवश्यकता होती है, शमशान की हड्डी की आवश्यकता होती है, जो डेड बॉडी में से बच जाती है। परंतु ऐसी राख और ऐसी हड्डी की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर पानी नहीं लगा हो, यानी जलती हुई चिता में से आपने निकाल करके लाए हो। उस राख से किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। ऐसे ही जलती हुई चिता का कोयला ले लिया जाता है, उससे भी एक तरफ सिकी हुई रोटी के ऊपर नाम लिख करके तंत्र किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष का, कोई भी कपड़ा ले लिया जाता है पहना हुआ, उसके ऊपर कोयले से कुछ तंत्रात्मक चीजें, चिन्ह बनाए जाते हैं, और फिर उसके ऊपर तंत्रिक क्रिया करके उस मनुष्य के ऊपर प्रेत को भेजा जा सकता है और उसको बर्बाद किया जा सकता है, उसको गलाया जा सकता है। जैसे कपड़ा पानी में पड़ा रहता है, तो कपड़ा जैसे जैसे गलता जाता है, समय होते हुए, एक दिन में तो नहीं गलेगा, सालों लग जाते हैं उसे कपड़ा गलने में, कई बार छिन्न भिन्न होने में समय लग जाता है। उसी प्रकार मनुष्य धीरे धीरे गलने लगता है जैसे जैसे कपड़ा गलता है। कभी धूप लगती, कभी पानी लगता है, पानी में हमेशा पड़ा ही रहता है कपड़ा। तो कपड़ा जैसे जैसे गलता जाता है, मनुष्य का शरीर गलता जाता है, तरह तरह की बीमारियां लगती जाती है, और जिस दिन कपड़ा चिर चिर हो जाता है, यानी फट जाता है, उस दिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो शमशान की राख का प्रयोग होता है, शमशान की हड्डी का प्रयोग होता है, शमशान से कोयला का लाकर के उसका प्रयोग किया जा सकता है, शमशान के ऊपर पड़े हुए कफन से तंत्र किया जा सकता है, और डेड बॉडी के ऊपर, यदि स्त्री की डेड बॉडी है तो उसके ऊपर घर परिवार वाले बहुत से मनुष्य साड़ियां चढ़ाते हैं, कोरी साड़ियां चढ़ती, नई नई साड़ियां चढ़ती है, कुछ अच्छी क्वालिटी की भी होती है। पुरुष है तो उसके ऊपर नए नए कुर्ते पजामे पेंट शर्ट चढ़ाते हैं लोग, बाग शाल चढ़ाते हैं। तो जो नई साड़ियां चढ़ती है, उन साड़ी को लाकर के किसी के घर में तंत्र विद्या पहुंचाई जा सकती है। यह जो शाल होती है, उन शालों को जो डेड बॉडी के ऊपर एक बार चढ़ जाती है, तो उस पर उस डेड बॉडी की जो आत्मा होती है, उसका अधिकार हो जाता है। और यदि वो बिना धुले कोई व्यक्ति उसको ओढ़ लेता है, तो उसके ऊपर वो प्रेतात्मा चिपक जाती है,
इसलिए कहते हैं कि कोरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पहले उस कपड़े को धो लेना चाहिए। क्योंकि कोई मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम कि जो शाल आपके यहां पे किसी ने गिफ्ट दी, कोई साड़ी आपको गिफ्ट दी, वो कोई जरूरी नहीं कि डेड बॉडी के ऊपर चढ़ी हुई हो। तो घर परिवार के सदस्य कई बार, जैसे सास बहुओं में झगड़ा होता है, तो यदि सास किसी तांत्रिक से जुड़ी हुई हो तो वह तांत्रिक जो है डेड बॉडी पे चढ़ी हुई इस प्रकार की शाल या साड़ी उस जगह से लेकर के आ जाता है शमशान से, और वह साड़ी बिना धुले अपनी बहू को पहनवा देती है, तो बहू के ऊपर स्वतः तंत्र हो जाता है। इसलिए कोई भी कोरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जब भी कोई कपड़ा आपके पास यदि आए और आपको यदि लगे शंका कि भैया आज तक इसने कपड़े नहीं दिए और आज कपड़ा क्यों दे रहे हैं, आपको यदि शंका है कि ये हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है और ये कपड़ा आज साड़ी क्यों दे रही है, क्यों पहनने के लिए प्रेशर कर रही है, तो समझ जाना चाहिए उसके अंदर कहीं न कहीं पर तंत्र है। तो ये रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट से दिया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। तो कई बार ऐसी शाल डेड बॉडी पे चढ़ी हुई आपके घर तक पहुंचा दी जाती है और आपका घर धीरे धीरे तबाह होने लगता है। इसी प्रकार से महिला के ऊपर चढ़ी हुई बहुत सारी साड़ियां शमशान से डोम से वापस ले ली जाती पैसे दे करके, और उन साड़ियों को जिसके घर को तबाह करना होता है, जिसको बीमारी देना होती है, उस साड़ी के ऊपर तंत्र विद्या करके, ये तंत्र विद्या ओघड़ अघोरी भोपा झोपा लोग करते हैं, पंडा पुजारी करते हैं, भगत लोग करते हैं, तो वो करके आपके पास पहुंचाई जा सकती, जिसको ये साड़ी पहना दी जाती है पहन लेती है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, यदि वो पुण्यवान स्त्री है तो उसकी जो पुण्य रहेंगे वो पुण्य उसको अच्छी जगह ले जाएंगे और बहुत जल्दी उसकी वो क्रिया कट जाती है। परंतु यदि वो स्त्री जो है जिसको साड़ी पहनाई गई, यदि उसने पुण्य नहीं किए, उसने पूजा पाठ नहीं की, यदि उसने व्रत उपवास नहीं किया, यदि वो धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखती है, तो उसको लाइलाज बीमारी लग के मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो आजकल ये नए किस्म का हथियार तंत्र के मामले में प्रयोग हो रहा है, ऐसा हमको प्रत्यक्षतः देखने को मिला और सुनने को भी मिला कि शव के ऊपर चढ़े हुए कपड़े के ऊपर तंत्र करके उस कपड़े को जबरदस्ती पहनाया गया और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर तंत्र विद्या का असर होने लगा। स्त्री गर्भिणी होने के बावजूद उसका गर्भ गिर गया पहले तो, और उसके बाद धीरे धीरे मानसिक स्थिति खराब हो गई। तो तंत्र विद्या करने के कई तरीके होते हैं, सबके अपने अपने नियम होते हैं, पर यदि आपको ऐसा कोई आभास होता हो, कोई भी ऐसी स्त्री या पुरुष जिस घर में सोते हो, उस घर में महीने में या दो महीने में या तीन महीने में या अमावस्या के दिन या दूज के दिन या छठ के दिन आपको डर लगता हो, अजीब सा डर लगता हो, और अचानक आप सोते सोते उठ जाते हो और रोने लगते हो जबकि कोई सपना नहीं देखा है, तो समझ जा उस घर के अंदर कोई न कोई ऊपरी बाधा है, और वो ऊपरी बाधा ही आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए सफिशिएंट है। ऐसे घरों में, जिस घरों में इस प्रकार की प्रेतात्माएं होती है, वहां पर कोई न कोई अकाल मृत्यु अवश्य होती है उनके परिवार में, और जिसकी अकाल मृत्यु यानी अतृप्त आत्मा होती है, वह अतृप्त आत्मा ही घर परिवार में जो कमजोर होता है उसको परेशान करती है और कई बार जिंदगी बर्बाद भी कर देती है। इन सब का उपाय है। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की शमशानी विद्या का प्रयोग हो चुका हो और आपके पुण्य कर्म नहीं हो और हटवाना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं।
9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपनी इस प्रकार की तंत्र विद्या को कटवा सकते हो। आपके शरीर का बंधन हो गया हो, आपके शरीर पे चौकी लगा दी गई हो, आपके शरीर पे मसान भेज दिया गया हो, आपके बच्चे बार बार गर्भ में आने के बाद गिरते हो, या कई बार बच्चे गर्भ में ही नहीं आते हैं, ऐसा भी यदि होता हो, बार बार आप व्यवसाय में पैसा लगाते हैं पर पैसा बर्बाद हो जाता हो, हर 6 महीने में साल भर में आप व्यवसाय को परिवर्तन कर देते हो उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती हो, आपका मस्तिष्क काम नहीं करता हो, उच्चाटन हो गया हो, पूजा करने का मन नहीं लगता हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है और शमशानी विद्या ही हुई है। कफन के कपड़े से पुतली बनाई जाती है, कुश का प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी सुइयों का प्रयोग किया जाता है और तंत्र विद्या करने वाले, गलत काम करने वाले ऐसा गलत कार्य करते हैं परंतु बाद में अवश्य भुगतते हैं। ईश्वर भी यही कहता है, धर्म भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। यदि आप खेत के अंदर गेहूं बोएंगे तो आपको गेहूं ही मिलेंगे, और कई बार तो ऐसा भी होता है यदि कांटे बोए तो कांटा ही मिलेगा, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपका खेत बंजर है उसमें आपने गेहूं बोए तो गेहूं भी नहीं मिलता है। इसका मतलब बंजर भूमि का मतलब होता है आपके जो पूर्वज हैं, जिस गोत्र में, जिस घर में, जिस कुल में आपने जन्म लिया वो कुल ही महापापी कुल हो। जिस कुल में जिस स्त्री का, ऐसे पापी कुल में जिस स्त्री का विवाह हो जाता है तो वह स्त्री भी उस कुल के पाप कर्मों के फल को भोगती है, उसको भी खून के आंसू पीना पड़ते हैं, और यह ऐसी स्त्री भी कहीं न कहीं पर पिछले जन्म के कर्म का फल ही होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा पाप कर्म करते नहीं रहना चाहिए, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां का मख्या। सजग रहिए और सजग रहने के साथ साथ सुरक्षित रहिए। जय माता दी।